हाँ मैं क्लास में हूँ यहाँ आगे अपने यहाँ, 9:30 बजे फ्री होता हूँ। हेलो, 9:30 बजे आऊँगा। ठीक है, क्लास में हूँ। जरका नहीं आई है। कितना मार कर दिया जा रहा है। अच्छा, बिगनर्स बॉक्स 7 पलटिए। उसके पहले, बिफोर दैट, 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, क्या क्या निकालना है। क्लास टेस्ट है ना, आपको क्या लिखना है, फॉर्मूलाज लिखने हैं, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसके लिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, रेंज, रेंज का 1, 2, 3 चौथा नंबर 4 इज एच मैक्स, नंबर 5 इज एच मैक्स, नंबर 6 इज वाई बराबर 2 लिखना है। ये वाला लिखना है इन टर्म्स ऑफ X1 एंड X2। आठवां नंबर, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज मैक्सिमम होगा। एट व्हाट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन देयर रेंज विल बी सेम। दसवां, अगर रेंज सेम है और हाइट अलग अलग है रेंज, इन टर्म्स ऑफ हाइट बताना है क्या होगा। टाइम है आपके पास 2 मिनट, यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। अदीबा, अनस, मनीष, समीउल्ला और सैमसंग। सैमसंग कौन है ऑनलाइन में, राइट इन चैट बॉक्स। फॉर्मूला लिखना है सबका। वाई वाई है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है। अहमद, नाम चेंज कीजिए अपना, अहमद। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना होगा, राइट इन चैट बॉक्स, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स।
हो गया, ऐसा बैठा हुआ है कि जिसे हो गया। जल्दी करो। जिसका हो जाए हाथ उठाइएगा। बोलो। डन। चलिए अब मिलाया जाए। टाइम ऑफ असेंट में क्या लिखेंगे? यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट में यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट में टू यू साइन थीटा बाई जी। रेंज में यू स्क्वायर साइन थीटा साइन टू थीटा बाई जी। दूसरा टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। टू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्स टैन थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स वन एक्स टू के टर्म में एक्स वन इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाई इंटू टेन थीटा। इसका सिचुएशन क्या था? ये वाला था, ये वाई था और इधर वाला एक्स वन और इधर वाला एक्स टू। एट वॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज विल बी मैक्सिमम? 45 डिग्री। एट वॉट टू डिफरेंट एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज विल बी सेम? 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा और थीटा एंड 90 माइनस थीटा। यहां आर बराबर फोर इंटू टिप ऑफ टंग होना चाहिए। व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला एट एच मैक्स? अगर इनिशियल काइनेटिक ऑफ प्रोजेक्शन के जगह पे ई था, ई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग होल प्रोजेक्शन? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। लिखिए क्वेश्चन। कितनों का सब सही हुआ? तो फास्ट करना है ना। क्या हुआ?
अच्छा ना है, क्या चीज नहीं करवाए। रुको ना बैल, अभी तो शुरुआतें हुए हैं, हड़बड़ा कह रहा है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग, दो दिन में प्रोजेक्टाइल सीख जाएगा। BB7 का मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिगनर्स बॉक्स 7 का पहला क्वेश्चन है, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेस टू द हाइएस्ट पॉइंट। बी में मैक्सिमम हाइट रीच्ड, सी में द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द बॉल, और डी में द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर। बन जाएगा, बनाइए। बना लिए हैं, अच्छी बात है, फिर से बना लीजिए। कितने लोग बनाए हैं इसको? नहीं, सब लोग बनाइए जल्दी से। BB7 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 117 पेज का। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब क्या पूछा? बी में पूछा है मैक्सिमम हाइट रीच, एच मैक्स। सी में पूछा हॉरिजेंटल रेंज, और डी में पूछा कितना देर हवा में रहेगा, वो कौन सा टाइम होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। जी का वैल्यू लेना है 10। राहुल का तबीयत कैसा है? ब्रिज किसके साथ गया? अच्छा, बन गया। बोलिए टाइम ऑफ असेंट कितना हो जाएगा?
यू साइन थीटा बाई जी, यू का वैल्यू 20 साइन 30 डिग्री 1/2, जी का वैल्यू 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 सेकंड डबल। एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 20 का स्क्वायर 400, साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 2 जी का वैल्यू 10। एक जीरो यहां से कटेगा, 4 × 6 कितना आएगा बोलो, 5 मीटर। रेंज बोलो, यू स्क्वायर साइन 2θ/g 400 और साइन 60 डिग्री 3/2 और जी का वैल्यू 10 कितना आ जाएगा बोलिए, 20√3 मीटर। डन। एक ये और जान लीजिए आप लोग, अगर रेंज मैक्सिमम हो, दूसरा क्वेश्चन, अगर रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो और एच हाइट एच मैक्स हो, एच मैक्स बराबर एच हो और आर मैक्स बराबर आर हो, तो आर और एच में क्या रिलेशन होगा, ये और ये में क्या रिलेशन होगा। हाँ, किसी प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका और क्वेश्चन में दिया है कि रेंज मैक्सिमम है, तो बताइए रेंज मैक्सिमम और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन क्या होगा। इसका फॉर्मूला तुम्हारा निकाल के देखो, बना के देखो, अभी था से मतलब नहीं है, अभी है कि नहीं बनाओ। उस क्वेश्चन में हमने दिया है कि अगर रेंज मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा। कहां बनाया दिखाओ, हाइट टू और पांव उठा के चलो, ये क्या आया तो कौन किसके बराबर होगा, आर और एच बताओ क्या होगा। हाँ, एच बराबर कितना आर या आर बराबर कितना एच, माय क्वेश्चन इज दैट। इसमें एक चीज छिपा हुआ है, रेंज मैक्सिमम हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिए हम क्वेश्चन में, कहाँ दिए हैं, नहीं दिए हैं, लेकिन हिडन है, छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है क्वेश्चन में, रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री थीटा होगा ना, 2θ 90 होगा ना, रेंज मैक्सिमम है उस केस में ये थीटा कितना होगा, और यू से मान लीजिए फेंका है, तो फॉर्मूला लिखो दो रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2θ/g, रेंज कितना होगा बोलो, यू स्क्वायर साइन 90° / g, साइन 91, तो यू स्क्वायर बाय जी आपका रेंज आया, यस और नो। और एच मैक्स का फॉर्मूला लिखो, यू स्क्वायर साइन थीटा इज 45/ एंड साइन 45° 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे बाय 2g ना, कितना आ जाएगा बोलो, यू स्क्वायर बाय 4g ना,
तो आर बाई एच करोगे तो क्या मिलेगा? देखो अब रुको ना, अब तो हो ही गया काम खत्म। आर बाई एच बराबर आर का बोलो यू स्क्वायर बाई जी, और ये बोलो यू स्क्वायर बाई फोर जी। यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो जाएगा, फोर नीचे के नीचे है, कहाँ चला जाएगा? तो आर बराबर फोर एच, एच बराबर आर बाई, याद रहेगा ना? किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, प्रोजेक्टाइल को, अगर आर मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 200 मीटर तो बताइए एच मैक्स कितना होगा? अब एक सेंटेंस में बता देना है। 200 बाई 4 कितना मीटर? 50 मीटर। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अगर एच मैक्स दिया रहे, अच्छा एच मैक्स दिया रहे और आर मैक्स निकालना हो, नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एच मैक्स के लिए कंडीशन थोड़ी ही है कि 45 डिग्री हो। एच मैक्स तो 30 डिग्री में भी होगा, 60 डिग्री में भी होगा, 45 डिग्री में भी होगा, होगा कि नहीं होगा? आर मैक्स के लिए कंडीशन है क्या 45 डिग्री? उस केस पे जो एच मैक्स आएगा वो और आर मैक्स का रिलेशन है। ये कंडीशन कब लगाएंगे? जनरल सबके लिए नहीं लगाएंगे, किसके लिए? आर मैक्स बराबर 4 इंटू एच मैक्स। जब रेंज मैक्सिमम हो तभी हाइट जो होगा वो रेंज मैक्सिमम का 1/4 होगा। नोट इट डाउन। उतारना क्या है? तब होगा। एच मैक्स दिया है, साथ में ये भी दे दिया कि 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तभी करेंगे वो फॉर्मूला। तो वो निकालेंगे, सिंपल सी बात। तो फॉर्मूला काहे के लिए दिया है? The equation of a projectile is y बराबर
रूट एक्स, रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, पहला ऑप्शन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, वेरी गुड, फिर से बना लो, तुम कल बनाया है लेकिन फिर से बनाओ। y का एक जनरल फॉर्मूला बताए हैं, उससे कंपेयर कर दीजिए। इसके नीचे इसका जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए और कंपेयर कर लीजिए कौन किसके जगह पे, आंसर आ जाएगा। सिक्सटी डिग्री, वेरी गुड। क्या हुआ जी? वाई बराबर रूट अंडर थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट द जनरल फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स के जगह पे एक्स है और टेन थीटा की जगह पे क्या है, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, रूट अंडर थ्री। कितना के बराबर होता है ये, टेन सिक्सटी डिग्री बराबर रूट थ्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, सिक्सटी डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दू, रेडी? क्वेश्चन यही रहेगा, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई बराबर रूट थ्री एक्स रूट अंडर थ्री इंटू एक्स माइनस जी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, चार ऑप्शन आपको बनाना है क्या क्या हो सकता है, बनाई। हाँ, एक तो सही बताओगे ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन बोलोगे आंसर तो ऑप्शन बन जाएगा वो। हाँ, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज,
चुटकी में बन जाएगा एक सीधा इक्वेशन। अभी कंपेयर किया ना इक्वेशन को, इसको भी कंपेयर करो, सेकेंड टर्म कंपेयर करो, ऑनलाइन वाले राइट इन चैट बॉक्स। 12 लोग ज्वाइन कर लिए हैं, वेरी गुड। अदीबा, अफजल, अहमद, अनस, फरहान, मनीष, जावेद, समीउल्ला, शिवांगी, फजल रहमान। गुड, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? रेज योर हैंड। यस सर।